हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगो बनाना सीखेंगे। लोगो बनाना बहुत इजी है और बिना साइट के हम ऑनलाइन भी बना सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं होगा। इसके लिए हमें लिखेंगे www.flamingtext.com। वैसे तो काफ़ी साइट है, हम ये वाली साइट यूज करेंगे flamingtext.com। इसको कॉपी किया, यहाँ पे डालते हैं URL में। यहाँ पे URL में डाल देंगे flamingtext.com। ये हमारा ओपन हुआ राइट। इसके हम यहाँ पे स्टार्ट क्रिएट है लोगो करेंगे, क्लिक किया। क्लिक करके हम देखेंगे कि हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ जिसके अंदर सब लोगो दिखा रहा है। ये स्टाइल दिखा रहा है, अभी ये लोगो हम टाइप करेंगे तो इस टाइप में होगा, स्टाइल में हो जाएगा, इस टाइप में जो भी है हो जाएगा। अभी हम ये लेते हैं, ये लावा लिखा हुआ, इसलिए लावा लिखा रहे हम करते हैं एसके ट्यूटोरियल। अभी हम देख सकते हैं हमारा नाम यहाँ पे चेंज हुआ एसके ट्यूटोरियल। अभी हम फ्रंट साइड भी चेंज कर सकते हैं, आगे करेंगे टेक्स्ट साइड बड़ा होगा। ये देख सकते हो आप, हम इसको नॉर्मली रखेंगे। फिर जाएंगे हम फ्रंट में, हम कुछ भी ले सकते हैं जो भी स्टाइल हमें अच्छी लगे इसकी फ्रंट की। ठीक है, जाएंगे लोगों में, लोगों में हम कलर वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कलर के साथ टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, जैसा ये स्टील कलर है वो टेक्सचर भी है, तो ये स्टील में वो टेक्सचर में हो जाएगा। इसके अंदर काफी है, ये हमारा आउटलाइन कलर है जो कि इसके आउटलाइन है, हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी, साइज देखेंगे बड़ा करते हैं कैसा हो जाएगा। साइज को बढ़ाते ही आप देख सकते हो यहाँ से साइज बढ़ रहा है, तो हम पहले वाले रखते हैं बहुत ज़्यादा बन पे। शेडो, शेडो यानी परछाई, परछाई आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन में। नीचे देखो ये परछाई पड़ रही है इसकी, इधर ये सब इसमें कलर, ये कलर आ रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। नॉर्मल करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल में परछाई पड़ रही है यहाँ पे, ड्रॉप ड्रॉप करते हैं। ये कलर की हम चेंज कर सकते हैं, हम ये वाला रखते हैं रिफ्लेक्शन और इसमें आगे पीछे करके हम चेंज कर सकते हैं कैपेसिटी जो भी है, शेड स्केल टिल्ट ऑफसेट। बैकग्राउंड में चलते हैं, बैकग्राउंड में है कलर, अभी इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, हम कोई भी कलर कर सकते हैं बैकग्राउंड में, या फिर पैटर्न भी रख सकते हैं। जैसे मैं पैटर्न रखता हूँ, मैं ये वाला रखता हूँ, क्लिक किया, आप पीछे देख सकते हो, ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ पैटर्न। इमेज क्रिएट लोगो करेंगे, ये देखिए, ये कॉमर्शियल यूज के लिए है, ये पर्सनल यूज के लिए है। कॉमर्शियल यूज करने के लिए हमें $10 के समथिंग कुछ देना पड़ेगा, और पर्सनल यूज के लिए तो हम पर्सनल यूज करेंगे। क्लिक किया पर्सनल यूज पे, और हम इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, दोबारा एडिट भी कर सकते हैं,
HTML कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अकाउंट के अंदर सेव कर सकते हैं। मैं अभी इसको डाउनलोड करने वाला हूँ और डाउनलोड पे क्लिक किया, ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इधर ये डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने पे हम इसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हो ये ओपन हुआ, ये एस्केप ट्यूटोरियल। इसी तरह से हम कोई भी डिजाइन या लोगो हम चेंज कर सकते हैं, नाम, कलर जो भी है, जैसे कि ये है, इसके अंदर काफी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।